फर्म सप्लाई कर्व जब हम बात करते हैं फर्म सप्लाई कर्व की तो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म सप्लाई कर्व रोल प्ले करेगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज करव टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म्स आउटपुट अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर सपोज हम इसी कॉन्सेप्ट को रेप्लीकेट करें विद रेफरेंस टू आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई अ पर्टिकुलर फार्मर हाँ जी यहाँ पे हम तीन आप कह लें कर्व्स ड्रा की हुई हमने इस डायग्राम में हमने एक्सिस पे एग्रीकल्चरल आउटपुट लिया है वर्टिकल एक्सिस पे हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू शो कर रहे हैं और आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और हमने ये बात भी कभी की थी कि जी ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट होगा दिस इज़ इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल मार्केट इस प्राइस पे फार्मर की क्या लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ही प्रोड्यूस लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्यूएम और ये उटपुट क्या है दिस इज दिस इज दिमल लेवल दिस इज दउटपुट वेयर फॉर्मर इज मिनिमाइजिंग एट कॉस्ट टू प्रोड्यूस दउटपुट यहां यू कह लें दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर फार्मर इज मैक्सीजिंग हिस्स प्रोफिट और यहां ये यह हुआ किस पॉइंट पे है दिस इज ऑब्जर्व एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे जो पीएम लाइन है it not only denotes the price that prevails in the market, it also denotes the average revenue and marginal revenue that farmer is getting by selling, by selling output in the market. Now we assume that there is decrease in market price and because of that decrease in market price, PM moves to PBE. And ये जो ब्लैक कलर की हॉरिजेंटल लाइन है दिस इज द प्राइस के दिस इज द प्राइस आफ्टर डिक्रीज इन मार्केट प्राइस के दिस इज द प्राइस दैट फार्मर इज गेटिंग आफ्टर डिक्रीज इन इन प्राइस द मार्केट अगेन आपका आपका फार्मर क्या लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ही विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और ये जो पीबीई है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जन रेवेन्यू ऑफ द फार्मर वेन देअर इज डिक्रीज इन प्राइस प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द मार्केट और यहां पर फार्मर विल प्रोड्यूस अल आउटपुट डिनोटेड बाई क्यू बी ई लेकिन हम इस लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कहते हैं दिस इज द्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या दिस इज दउटपुट वेयर फार्मर इज कवरिंग एड्स एवरेज टोटल कॉस्ट एट दिस पॉइंट फार्मर इज कवरिंग ऑल ऑफ एड्स एवरेज टोटल कॉस्ट देखना अब अगर हम फर्दर रिज्यूम करें कि देर इज फर्दर ड्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द मार्केट अब यहां पर प्राइस जो फार्मर को मिल रही है फारिट्स आउटपुट हम उसको डिनोट कर रहे हैं विद पी एस ई ये जो येलो कलर की लाइन है हॉरिजेंटल येलो कलर की लाइन दिस इज द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट एंड फार्मर कैन सेल इट्स आउटपुट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस अगेन वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ही विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस न्यू प्राइस ऑफ और वो लेवल ऑफ आउटपुट होगा मेरे पास क्यू ई -E. लेकिन ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है इसको हम कहेंगे दिस इज शट डाउन लेवल ऑफ आउटपुट क्या जी अगर यहां पे फर्दर डिक्रीज इन प्राइस हो जाए तो इट माइट बी देन क्या होगा फार्मर विल क्लोज डाउन एड्स क्लोज डाउन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट यहां पे भी उसको लॉस तो हो रहा है लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है कि ही इज बेयरिंग लॉस बट दैट लॉस इज इक्वल टू द लॉस दैट ही हैज बियर बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन अगर यहां पे प्राइस फर्दर डिक्रीज हो जाएगी देन बाय ऑपरेटिंग इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट तो फार्मर के लिए आप कह लें डिजायरेबल नहीं होगा ही शुड प्रोड्यूस आउटपुट इन द मार्केट कि जी फार्मर के लिए डिजायरेबल कब होगा फार्मर विल प्रोड्यूस ऑफ आउटपुट एज लॉन्ग एज प्राइस इन द मार्केट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जी अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगी देन क्या होगा फॉर फार्मर विल लीव द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर आउटपुट और इस सारे में क्या है कि ये जो पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर जिसको अब मैं ग्रीन कलर की लाइन से नोट कर रहा हूं

एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर हो गया अब ये एसोसिएशन एक डिपिक्ट कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एंड द पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इट डिनोट दग्रीकल्चर आउटपुट बाई बाई इंडिविजुअल फार्मर बाई फार्मर एट एन इंडिविजुअल लेवल अब यहां पे जब आप शॉर्ट रन में बात करोगे रैशनल फार्मर क्या करेगा ही विल प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट इफ द प्राइस इज ग्रेटर आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लेकिन अगर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी देन क्या होगा फार्मर विल नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट अब इस सारी डिस्कशन से को अगर मैं समराइज कर दूं तो एक चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर है के जब आप फार्मर सप्लाई कर्व की बात करोगे इट इज दार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट दैट लाइज टू एट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फार्मर विल कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट अप टू शटडाउन लेवल ऑफ आउटपुट और शटडाउन लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा है दिस इज आउटपुट वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और अगर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी देन फार्मर विल शट डाउन हिज बिजनेस ही विल नॉट प्रोड्यूस एनी एग्रीकल्चरल आउटपुट